आप आपके स्टूडियो पर आए, सिविल स्टूडियो पर आए थे जो भी पर आज उन्होंने सदीक्षा भेंट की, क्या कहना चाहती हैं, आप कैसे स्वागत किया आपने साहब पर? सबसे पहले तो मैं दिनेश जी को उनके पद के लिए बहुत बहुत जो है बधाई देना चाहूँगी, और जिस पार्टी में ये जा रहे हैं मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि जो भी ये पद उनको मिला है उसका ये अच्छे से निर्वाहन करें और ईश्वर इनकी मदद करें जी। सीता जी किसे सहयोग करेंगे आप, सहयोग करेंगे मान प्रभारी बने हैं तो कैसे सहयोग रहेगा आपका, महिलाओं को इस पार्टी में जोड़ेंगे करेंगे आप, हेल्प कैसे करेंगे आप? अभी देखिए बात है हेल्प की, तो जैसा सर आदेश करें, जो जिस तरह से हम जिसमें सक्षम है, बाकी इनकी पार्टी के लिए जो भी मुझसे बन सकता है, चाहे तो जनता में अवेयरनेस का कार्यक्रम हो या कोई भी सहयोग हो जिस लाइक में हूँ, जब भी सर आदेश करेंगे मैं बिल्कुल तैयार हूँ। दिनेश भाई आपको कैसा लगा, आप दिव्य ज्योति डिजिटल स्टूडियो पर आप आए यहाँ पर, सत्या जी ने आपको वेलकम किया, कैसा लगा आपको यहाँ पर आके? मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और इनकी स्टूडियो पर आया बहुत अच्छा लगा, और इनका व्यवहार भी बहुत अच्छा लगा, और ये है भी अच्छी और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर जी। दिनेश भाई वैसे तो यहाँ का जो लोगों का मेन प्रोफेशन है फिल्में बनाना है, फिल्मों का पोस्ट प्रोडक्शन है, क्या पार्टी फिल्मों के प्रति कलाकारों के प्रति भी आप किस तरह की सोच रखती है, क्या उन्हें आगे बढ़ाने के लिए उन्हें सपोर्ट करने के लिए भी किसी तरह का कुछ काम पार्टी करना चाहती है या करेगी? देखिए फिल्म जो ऐसा चीज़ है, एक जो पारदर्शी है, एक कांच की तरह है, तो सबको हाईलाइट यही लोग करते हैं, क्योंकि जो फिल्म लोग जो हैं फिल्मी लाइन जो है तो सबको मोटिवेट यही लोग करते हैं और सबको आगे लेके जाते हैं जी। तो उन्हें सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि कलाकारों को भी सपोर्ट की ज़रूरत है, कई ऐसे कलाकार हैं जो निषाद समाज के हो सकते हैं, किसी और समाज के भी हो सकते हैं, क्या उन्हें सपोर्ट करने के लिए भी पार्टी सोचती है, उनके प्रति किस तरह की सोच जो है वो निषाद पार्टी रखती है? जरूर, जो पार्टी हमारी है वो कोई भी समाज का हो इस लाइन में चाहता है जो सपोर्ट होगा करेंगे हम जी। सविता मैम आपको जो पॉलिटिक्स से सपोर्ट है बेसिकली मेकर्स के लिए, यूपी में जिस तरह से योगी जी की गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, बाकी स्टेट्स के हालांकि अभी तक उस तरह से नहीं हो पाया है, आप क्या चाहती हैं दिनेश भाई के जरिए, क्योंकि रूलिंग पार्टी में है, अलायंस में है बीजेपी के साथ केंद्र में, तो क्या चाहती हैं आपकी भाई इस तरह की जो सुविधा है मेकर्स को, जो सब्सिडी है या बाकी चीज़ें हैं वो पूरे देश में मिले अलग अलग स्टेट्स के लिए, ये चाहती हैं आप? आपने बिल्कुल सही कहा आनंद जी, और मैंने एक बार जब निरोवा जी के जो मैनेजर हैं सनी जी आए थे तो उनका भी इंटरव्यू हमारे स्टूडियो में ही हुआ था, तो मैंने उनके सामने भी ये बात रखी थी और आज दिनेश जी के सामने भी यही बात रखना चाहती हूँ कि अभी यूपी में जितने भी मेकर्स हैं उनको एक प्रॉब्लम का सामना ये करना पड़ता है कि वहाँ लोकेशंस बहुत महंगी हो गई हैं, और जिस तरह से सुविधाएँ होना चाहिए वो अभी थोड़ी कम है, और तीसरी बात ये है सर कि अगर सेंसर बोर्ड के लिए अगर आप हमारी ये बात सरकार तक पहुंचा दें और सेंसर बोर्ड अगर यूपी में बन जाए हमारी भोजपुरी फिल्मों के लिए, तो सर ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ऐसा सोचा तो नहीं है, पर अगर कोई पार्टी अच्छा पद देंगी तो मैं ज़रूर देश की सेवा के लिए तत्पर रहूँगी, और जो भी मेरा बेस्ट होगा वो मैं देने की कोशिश करूंगी जी। दिनेश भाई एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूं मैं, क्या पार्टियों को कलाकारों की ज़रूरत सिर्फ चुनाव के वक्त पड़ती है? नहीं, हम हर टाइम पड़ती है, जानिए कि चुनाव में ही टाइम पड़ती है, हर टाइम पड़ती है। नहीं ये बात नहीं है, इन्होंने सर ने सही कहा कि देखिए हम जो पार्टी है और कलाकार हैं, ये मैं कहती हूँ कि दोनों में चोली दामन वाला साथ है, ये है तो वो है और वो है तो ये, नेता अभिनेता ये हमेशा ही एक दूसरे के साथ रहे हैं, नेता और अभिनेता एक ही हैं जी, बिल्कुल दोनों में नेता जरूर लगा हुआ है। सच्चा जी का कभी पार्टी के लिए कभी चुनाव में प्रचार में आपके किसी तरह की सहयोग की जरूरत कैंपेनिंग में क्या करेंगी आप? जी बिल्कुल 100% मैं पूरी सहायता करूँगी, और हमारे तरफ से जो भी कलाकार होंगे या हमारी टीम के जो भी लोग होंगे वो पूरी तरह से हम इनको सहयोग देंगे। थैंक यू सो मच आपके लिए दिनेश भाई, मेरे पास मुबारकबाद, मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। निषाद साहब सबसे पहले तो मुबारकबाद हम आपको देना चाहते हैं कि निषाद पार्टी ने आपको महासचिव नियुक्त किया है, सबसे पहले तो शुभकामनाएं सर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि
क्या ऐसी चीज थी जिसने आपको राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया, किस वजह से, क्या इसके पीछे का उद्देश्य था जो आप राजनीति में आए? दिनेश भाई, मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हूँ मैं कि आप लोगों ने बुलाए। और देखिए, हमारा जो बचपन से रहा कि हम समाज का सेवा करें, और हमारे मंत्री जी डॉक्टर संजय निषाद जी जो हमारे वहाँ गए थे, जहाँ पे मैं धर्मशाला मंदिर लोगों, गरीब बच्चे लोग पढ़ने का सब सुविधा किया हूँ, तो उनको देख के बहुत अच्छा लगा और बोले कि तुम्हारे साथ आओ और कुछ काम करो, अच्छा काम। अच्छा, तो ये राजनीति में आने का जो फैसला था, आपने पहले से सोचा था कि भाई एक दिन मुझे समाज सेवा के जरिए राजनीति में आना है, या जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मिनिस्टर है संजय निषाद साहब, उनके मोटिवेट करने से ये हुआ? नहीं नहीं, हमारा तो बचपन से, देखिए हमने भी गरीबी देखा, उस चीज़ को मैं भी जानता हूँ अच्छी तरह से, गरीबी क्या होती है और गरीब को तकलीफ़ क्या होती है, बहुत अच्छी तरह मैं जानता हूँ। तो हमारा बचपन से रहा कि मैं गरीबी में साथ देंगे, सबका साथ देंगे सबका। और देखें, हम लॉकडाउन में भी करीब 6-7 हज़ार लोगों को मैंने गाँव भेजा, सबको जहाँ जहाँ राशन का जो भी हमारे यथाशक्ति जो हुआ मैं उनको प्रोवाइड किया और उनके साथ चला। जी नितेश भाई, आप तो रैपर हैं, आप तो हालांकि राजनीति से नहीं जुड़े हुए हैं, आप तो संगीत से जुड़े हुए हैं, कुछ दिनेश भाई के लिए आप गाना चाहते हैं, गुनगुनाना चाहते हैं थोड़ा सा, जिससे माहौल थोड़ा सा संगीत में भी हो जाए? नितेश भाई, अब पार्टी के लिए तो मैं मोदी जी के लिए गाना गाया था, मोदी को जिताना है, हर घर कमल खिलाना है, मोदी सिर्फ नाम नहीं, मोदी एक पहचान है, मोदी जी के कामों पर हम सबको विश्वास है, ये मैंने मोदी जी के लिए गाया था और मोदी जी की पार्टी में। तो एक तरह से दिनेश जी के लिए ही गया, गा लिया मैं तो। राम और निषाद राज हुआ, हम लोग पहले से मित्र थे और आज भी मित्रता है, बिल्कुल, और आज साथ में पार्टी के साथ हम लोग एक साथ जुट होकर काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। जी दिनेश भाई, क्या राजनीति में आने के पहले, राजनीति में आने के पहले भी आपने जैसा बताया कि आप लगातार समाज सेवा से जुड़े हुए थे, अब राजनीति में आने के बाद आगे क्या प्लान्स हैं आपको पार्टी के लिए, या अपने लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं? देखिए, जो हमें महासचिव का दर्जा दिए हैं डॉक्टर संजय, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी ने, जो उनके आदेश के अनुसार जो हमको देंगे उस तरह से हम उनका जो भी है बात का ऑनलाइन करके उनका काम करूँगा, उनके जो बातों पर चलेंगे हम, जो बोलेंगे करेंगे और समाज सेवा भी करेंगे। अच्छा, भारत में कई कॉम्पिटिशन है, कई ड्रिंक पार्टियाँ हैं। हाँ, मैं महाराष्ट्र जो है क्षेत्र प्रभारी बनाया गया हूँ। जी जी, कई पार्टियाँ ऑलरेडी हैं यहाँ पर, पार्टियों को कैसे आप लोग करेंगे, कैसे उनको? अभी देखिए, महाराष्ट्र में भी वो संगठन बन रहा है और हम लोग संगठन बना रहे हैं, और जो भी है अब तक कहाँ कहाँ बन चुका है? अभी थाना में हो गया है और भी कई जगह चालू है। तो क्या कोई कैंप भी लगाया जाएगा, जिस तरह से सदस्यता अभियान चलाए जाते हैं नए सदस्य बनाने के लिए, हर पार्टी अपने साथ लोगों को जोड़ना चाहती है, चालू है, कुछ ऐसा करने का भी इरादा आप लोगों का है आगे? दिनेश भाई जी, अभी हम लोग बना रहे, कल भी बातचीत हुआ था, बैठक हुई थी, तो चालू है सदस्यता बनाने के लिए। देखिए, हमारे निषाद पार्टी की बहुत सारे अभी ऑफिसें खुल रही हैं और सारे लोग काम कर रहे हैं मिलजुल के, हम लोग हमारी बैठक हुई है, और जो भी शिवसेना और जो भी भाजपा का जो भी हो रहा है, उसके बाद भी मुझे लोग बोल रहे हैं कि आप लोग निषाद पार्टी एक बनाइए, और निषाद पार्टी और भाजपा हम लोग साथ में मिल के काम कर रहे हैं। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, यूपी में निषाद पार्टी ने क्या क्या काम किया, कुछ बारे में कुछ बताएंगे? क्योंकि नाम तो वहाँ एक आता है मोदी योगी जी का, लेकिन मैं पर्टिकुलर खाली किस पार्टी के बारे में जानना चाहता हूँ? निषाद पार्टी, देखिए डॉक्टर संजय निषाद ने पूरे समाज को लेके चल रहे हैं और सबको एक एकजुट करके निषाद पार्टी बनाए, और उसमें मंत्री जी ने, योगी मंत्री जी महाराज जी ने उनको बुला करके गठबंधन कराया, और साथ में अभी चल रहे हैं, साथ में मिल के काम कर रहे हैं। कितने विधायक, कितने एमपी, अभी 11 15 सीट मिला था, 15 में 11 विधायक हुए हैं। सांसद एक, अभी सांसद एक सांसद है, एक विधायक है। दिनेश भाई, सवाल यह है कि चुनाव भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 2024 में जो लोकसभा के चुनाव हैं वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, कई लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इसकी जो तैयारी है वो शुरू कर दी है,
क्या निषाद पार्टी जो आपकी नई पार्टी है जिसके आप नवनियुक्त महासचिव जनरल सेक्रेटरी हैं, क्या उसी दिशा में पार्टी को मजबूत करने के लिए आपका आगमन हुआ है पार्टी में? देखिए मंत्री जी ने, डॉक्टर संजय निषाद जी कैबिनेट मंत्री ने, उन्होंने बुलाया मुझे और मुझे सदस्य बनाए और महासचिव बनाए, बोले कि भाई मिलके काम किया जाए, तो उनके जो देशानुसार जो भी बोलेंगे मैं काम करूंगा जी। हितेश भाई, आपने तो योगी जी के चुनाव से पहले भी, मुझे याद है, बाकायदा उठाना बनाया था विधानसभा चुनाव से पहले, बाबा आए बार बार, मैं चाहता हूँ कि आप गुनगुना के दिनेश भाई को हमारा एक बार फिर से सुनाए तो थोड़ा सा मजा आ जाएगा। पहले तो मैं दिनेश जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ आगे इनके फ्यूचर के लिए, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी हैं प्लस महाराष्ट्र के प्रभारी हैं, तो आप बीजेपी के साथ है, बीजेपी बहुत अच्छा अच्छा कार्य कर रही पूरे भारत में और भारत के बाहर भी हो रहा है इनका प्रशंसा, तो उसके लिए आप उनके साथ जुड़े हैं और आपकी पार्टी के लिए बहुत बहुत मैं आपको स्पेशली धन्यवाद देता हूँ। और योगी जी के लिए जो हमने बड़े मेहनत से गाना बनाए थे, योगी की यही पुकार, बाबा आए बार बार, सबने मिलकर ठाना है योगी को जिताना है, यूपी की यही पुकार, बाबा आए बार बार, सबने मिलकर ठाना है योगी को जिताना है, और योगी जी जीत गए और हम चाहते हैं बुलाएं बिल्कुल। दिनेश भाई, दिनेश भाई तो निरहुआ ने लॉन्च किया था जी, दिनेश भैया ने लॉन्च किया था निरहुआ जी ने, और बहुत बहुत उस टाइम पे बहुत हम खुश थे और वेरी हैप्पी कि भैया के हाथों लॉन्च हुआ था गाना जी। दिनेश भाई, मैं बात कर रहा था कि एसोसिएशन की, मैं बात कर रहा था संगठन की, संगठन को मजबूत करने के लिए, पार्टी को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए, आम आदमी से जुड़ने के लिए क्या कदम है जो आप फिलहाल उठाने जा रहे हैं आने वाले कुछ दिनों में, जो आपका पहला कदम होगा राजनीति में, वो क्या होगा? पहला तो मेरा समाज सेवा का काम है, उसके बाद जो भी देशा मंत्री जी का होगा मैं काम करूंगा उनके उनके हिसाब से जो जैसा बोलेंगे। बहुत जल्दी चुनाव आने वाले महाराष्ट्र में, बताइए। हाँ, प्लान चल रहा, अभी कल मीटिंग हुआ था, सदस्य लोग आए थे, बहुत काफ़ी लोग हैं, चर्चा हुई है, जो ऑफिस कार्यालय में भी, जो थाना में कार्यालय वहाँ पर बातचीत हो रहा है, तो जैसा होगा वो होना होगा। प्लान चल रहा है, मंत्री जी से बात हुआ है कि करेंगे जी। केंद्र की जो राजनीति है, मोदी जी का जो अपना चेहरा है, स्टेट में जो मोदी जी का अपना चेहरा है, बीजेपी के दोनों बड़े कद्दावर नेता हैं, इनके काम के प्रति क्या कहते हैं आप? आपने इनका काम देखा, उस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? अब तक का जो काम रहा, क्या कहीं आपको नहीं लगता है कि शोषित, पिछड़ा, पीछे रह गया है? तो देखिए, सबके लिए योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी काम कर रहे हैं, तो गरीबों के लिए, सबके लिए काम कर रहे हैं बिल्कुल। डॉक्टर निषाद के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संजय निषाद साहब, आपके उनके व्यक्तित्व के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपने, आप उनके नज़दीक रहे हैं, करीब रहे हैं, क्या देखा आपने, कैसी शख्सियत है उनकी? देखिए, वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात सबको उजागर कर रहे हैं, सबको जगा रहे हैं, और उन्होंने दिन रात समाज को भी एक कर रहा है, सब लोगों को, जितने पिछड़े लोगों को अच्छा अच्छा काम करके दे रहे हैं, और मैं देखा हूँ दिन रात में मेहनत कर सबको अच्छे रास्ते पे ला रहे हैं। हितेश भाई, जाने से पहले अगर आप कहना चाहते हैं, अगर आपको लग रहा है कि राजनीति और पॉलिटिक्स के बाद फिल्मों की अगर बात की जाए, गानों की अगर बात की जाए, तो उसमें भी जो फोक आर्ट है वो उसका समावेश बहुत हद तक है, बहुत तरह के बना हुआ है, तो उस पर कुछ कहना चाहते हैं आप प्लीज? अब फोक तो खैर हमारा, हमारे पूरे भारत का धरोहर है, और इसकी जो पार्टी के लोग हैं उस पर ध्यान दें और इसको और बढ़ाया चढ़ाया जाए, जितना उसको प्रमोट करेंगे, फोक को प्रमोट करना मतलब अपने भारत की संस्कृति को प्रमोट करना होता है, तो हम सब पार्टियों से साथ यही कहना चाहते हैं कि भाई प्रमोट करें, बहुत सारे फोक आर्टिस्ट भी बैठे हुए हैं, हम जैसे कलाकार हैं, हर जगह उसकी ब्रांचेस हो, और इसके लिए कंफर्टेबल हो नए आर्टिस्ट के लिए कि उनको भी मौका मिले फोक के लिए। जी, हालांकि ऐसा कुछ हमने सोचा नहीं है, लेकिन फ्यूचर में कभी ऐसा हुआ और अच्छा पार्टी अगर हमको ऑफर देती है तो ज़रूर जाएंगे, क्योंकि हमें अपटोल
जनता की सेवा करना है और जनता के लिए ही हम गाना गा रहे हैं, एक उपदेश गाना गाते हैं, हमारे गाने में बहुत सच्चाई होती है, तो क्यों नहीं हम कोई अच्छा पार्टी मिलेगा ऑफर देगा तो क्यों नहीं जाएंगे, जरूर जाएंगे।